target profit, sale profit और loss margin भी हमारा इसमें complete हो। रिपोर्टिंग के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, ये तभी आपको एक्यूरेट बताता है जब हम अपनी परचेजेस भी डाल लें, हम अपनी सेल भी पूरी पूरी डालें, कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ी हो जो सिस्टम में हमने ऐड नहीं की, तब हमें ये पर डे का प्रॉफिट भी बताएगा। ओपनिंग स्टॉक क्या था, टोटल परचेजेस क्या थी, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर ये बताएगा। ठीक है, हम इंडिविजुअली एक एक ब्रांच की भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रांचेस में ऐड नहीं की हुई, ताकि उनका अलग अलग बताए, ये सबका इकट्ठा बताए तो वो सबका बताएगा। नेट प्रॉफिट भाई हमारे पास 95,772 रुपीज़ हमारे पास बन गए। बाकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी बताता है, जो आइटम ज़्यादा सेल हो रही है सिस्टम बताएगा, ये आइटम ट्रेंडिंग के अंदर आई है। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास है स्टॉक रिपोर्ट, ये आइटम है हमारे पास, और यूनिट वैल्यू इसकी 143 रुपीज़ है। करंट स्टॉक इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका दूसरी आइटम का 50 पीसेस पड़े हुए हैं, इसके 90 पीसेस पड़े हुए हैं, इसके 150 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, जब स्टॉक सेल होता है तो वो यहाँ से माइनस होगा। ये सब चीज़ें आपको जब स्टॉक रिटर्न होता है तब इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो वापस आया। ठीक है, ये चीज़ें सारी इसके अंदर कंट्रोल हो रही हैं। आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो ही इसकी बेहतरीन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सिस्टम की। और कोई ऐसी चीज़ जो रहेगी हो, हाँ वेरिएशंस, अपने प्रोडक्ट में कोई वेरिएशंस डालनी है तो हम यहाँ पर अपनी वेरिएशंस डाल सकते हैं। लाइक साइजेस के अंदर वेरिएशंस क्या हैं, वेस्ट साइजेस के अंदर वेरिएशंस क्या, कलर में क्या वेरिएशन है, वेस्ट साइज, इंटरनल मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, ये आगे वेरिएशंस आ गई हैं हमारे पास। यूनिट्स हम ऐड कर सकते हैं, लाइक केजी है, यूनिट है, लीटर यूनिट है हमारे पास, पैक यूनिट है, पीसीस है हमारे पास, वो सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रांड्स आ जाते हैं, हम ब्रांड्स अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक आइटम शुरू में ऐड की थी गोल्ड, और उसके बाद हमने उसके अंदर ब्रांड हमने डाल दिया था, मतलब सिगरेट आइटम थी, ब्रांड गोल्ड था, और आगे फिर हमने फर्दर उसकी कैटेगरी, उसको मैंने मेंस की कैटेगरी में डाल दिया, हालांकि उसको सिगरेट की कैटेगरी में डालना था। बहरहाल जब ये सिस्टम नई जगह पर लगता है तो उस हिसाब से इसकी सारी सेटिंग्स होती हैं, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट इंट्री होती है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, बाकी सॉफ्टवेयर को आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का। और बाकी इसकी प्राइसिंग के हवाले से जो भी है आप इनबॉक्स करेंगे, ताकि जो है हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किस बिजनेस में डील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। या अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई वो जो मैं नहीं बता सका तो आप मुझे काइंडली इनबॉक्स कर दीजिएगा, या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं, चला हम अपने क्लाइंट का बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ते, और इंशाल्लाह आप इसको सिस्टम को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप किसी किस्म का जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम काम ठीक करेगा कि नहीं काम करेगा, ऑलरेडी एक्सपीरियंस इसमें तकरीबन 1-2 साल से इस सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, जो लोग जो क्लाइंट हमारे कस्टमर जो है वो देख ही रहे हैं, मुझे मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, जो कस्टमर जो है वो हमारी सर्विसेज ले चुके हैं, वो उनका तो रिस्पॉन्स रेट बहुत ही अच्छा है, और वो बहुत ही क्लाइंट समझ देते हैं। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अपने काम को स्मार्ट बनाएं, इजी बनाएं, आसान बनाएं। अपने काम को आसान बनाएंगे तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम मुलाकात भी करेंगे आपके साथ, तावुन भी करेंगे, किसी तरह का निगोशिएट भी हो सकता है आपके साथ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि एक हम पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को खूबसूरत पाकिस्तान बनाए, एक एडवांस पाकिस्तान बनाए, एक आईटी के दौर में आगे पाकिस्तान को हम करें। तो
बस आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारा साथ दें, हमारे साथ रहते चलें ताकि हम जो है सब मिलकर टुगेदर भी ग्रो हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।